हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद मी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो सके। फर्स्ट सेंटेंस इज ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग, वो बहुत देर बाद आया था। ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग, वो बहुत देर बाद आया था। आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद। योर फेस रिमाइंड मी ऑफ समवन, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। योर फेस, तुम्हारा चेहरा, रिमाइंड्स मी यानी याद दिलाना, ऑफ समवन, किसी की। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। मैंने चैन की सांस ली। आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ या आई ब्रेथ अ साइन ऑफ रिलीफ। आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ या आई ब्रेथ अ साइन ऑफ रिलीफ। You remind me of Ram, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। You remind me of Ram, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। You remind me of Ram. Now you can sign of relief, या now you can take a sign of relief, तुम अब चांद की सांस ले सकते हो। Now you can sign of relief. Needless to state that he is mad. कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है। Needless to say that he is mad. कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है। राम कम आफ्टर अ लॉन्ग, राम बहुत देर बाद आया। आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद। राम कम आफ्टर अ लॉन्ग, राम कम आफ्टर अ लॉन्ग। Is it worthwhile going there? क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? वर्थवाइल फ़ायदेमंद। इज इट वर्थवाइल गोइंग देयर, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है? इट्स नॉट वर्थवाइल, ये फ़ायदेमंद, फ़ायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थवाइल, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। वर्थवाइल, फ़ायदे। Needless to ask, he already knows. पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। Needless to ask, पूछने की ज़रूरत नहीं, he already knows. वे पहले से ही जानता है। Already knows है, पहले से ही जानता है। He has sent you a gift. उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। He has sent you a gift. Send की सेकेंड फॉर्म है sent. He has sent you a gift. We enjoyed a lot in Shimla. हमने शिमला में खूब आनंद लिया। We enjoyed a lot in Shimla. A lot मतलब खूब, बहुत। We enjoyed a lot in Shimla. What all can I eat? मैं क्या क्या खा सकता हूँ? कई सारी चीज़ें रखी हुई हम उसमें पूछते हैं कि What all can I eat? मैं क्या क्या खा सकता हूँ? मैं क्या क्या खा सकता हूँ? This shirt is torn. ये कमीज फटी हुई है। टर्न मीन्स फटी हुई। दिस शर्ट इज टर्न, ये कमीज फटी हुई है। माई फ्रेंड्स वर गिल्टी, मेरे मित्र दोषी थे। माई फ्रेंड्स वर गिल्टी, गिल्टी मीन्स दोषी। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी। राहुल स्टैमर्स, राहुल हकलाता है। राहुल स्टैमर्स, राहुल हकलाता है। स्टैमर्स, हकलान। यू वर क्लीनिंग द टेबल, तुम मेज साफ कर रहे थे। यू वर क्लीनिंग द टेबल, तुम मेज साफ कर रहे थे। क्लीनिंग, साफ करना। ही वॉज स्टैमरिंग, वो हकला रहा था। ही वॉज स्टैमरिंग, वो हकला रहा था, मतलब बहुत बोलने में जब अटक अटक के बोलते तो उसे कहते हैं हकलाना। दिस शर्ट इज डर्टी, ये कमीज मैली है। दिस शर्ट इज डर्टी, डर्टी मीन्स मैली। दिस शर्ट इज डर्टी। ही हैड स्टूड बाय मी, उसने मेरा साथ दिया। स्टूड मीन्स साथ देना। स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है स्टूड। ही हैड स्टूड बाय मी, ही हैड स्टूड बाय मी। Tell me how can I help you, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। Tell me how can I help you,
बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। ही इज़ इंजॉइंग दिस डेज। वे आजकल मौज में हैं। ही इज़ इंजॉइंग दिस डेज। दिस डेज मीन्स आजकल या नावाडेज भी कहते हैं आजकल के लिए। ही इज़ टेकिंग अ बाथ। वे नहा रहा है। ही इज़ टेकिंग अ बाथ। वे नहा रहा है। बाथ मीन्स नहाना। आई एम डिटरमाइंड टू गो या आई हैव डिसाइड टू गो। मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा। आई एम डिटरमाइंड टू गो या आई हैव डिसाइड टू गो। ही थॉट एंड मेटालाइज्ड। उसने सोचा और सच कर दिया। ही थॉट एंड मेटालाइज्ड। उसने सोचा और सच कर दिया। ही थॉट एंड मेटालाइज्ड। देयर आर माई बुक्स, दोज आर योर्स। ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी पुस्तकें हैं। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं दिल्ली में पला बड़ा। ब्रॉट मीन्स पला बड़ा। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं दिल्ली में पला बड़ा। वी आर टॉकिंग ब्रेकफास्ट। वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता कर रहे हैं। वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। हम नाश्ता कर रहे हैं। वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। दिस इज द वेरी मोबाइल आई वॉन्ट। ये वही मोबाइल है जो मैं चाहता था। दिस इज द वेरी मोबाइल आई वॉन्ट। ये वही मोबाइल है जो मैं चाहता था। द बॉयज़ वर टेकिंग टी। लड़के चाय पी रहे थे। द बॉयज़ वर टेकिंग टी। लड़के चाय पी रहे थे। जब मैंने देखा तो वो पी रहे थे। देन द बॉयज़ वर टेकिंग टी। ही कांट सिंक द वर्क नाउ। अब वो काम से भाग नहीं सकता। ही कांट सिंक द वर्क नाउ। वे अब काम से भाग नहीं सकता। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम जानते हो। डू यू नो। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वेटिंग मीन्स इंतज़ार। फॉर यू तुम्हारा। देयर इज हग वर्क प्रेशर दिस डेज। आजकल काम का काम बहुत है। देयर इज हग वर्क प्रेशर दिस डेज। आजकल काम बहुत है। माई मटेरियल अंकल ब्रॉट यू अप। मेरे मामा ने तुम्हें पाला। माई मटेरियल अंकल ब्रॉट यू अप। मटेरियल अंकल यानी मामा। माई मटेरियल अंकल ब्रॉट यू अप। आई विल गो टू मार्केट टुमोरो। मैं कल बाजार जाऊँगा। आई विल गो टू मार्केट टुमोरो। मैं कल बाजार जाऊँगा। आई विल गो टू मार्केट टुमोरो। द प्योन विल क्लीन द रूम। चपरासी कमरे की सफाई करेगा। द प्योन विल क्लीन द रूम। चपरासी कमरे की सफाई करेगा। द प्योन विल क्लीन द रूम। आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई विल मेटालाइज द ड्रीम्स। मैंने सपने साकार कर दूंगा। आई विल मेटालाइज द ड्रीम। मैं सपने साकार कर दूंगा। आई विल मेटालाइज द ड्रीम। योर टीवी इज ऑफ। आपका टीवी बंद है। योर टीवी इज ऑफ। आपका टीवी बंद है। Whose is this book? ये किताब किसकी है? Whose is this book? ये किताब किसकी है? Whose is this book? We will sleep at night. हम रात को सोएंगे। We will sleep at night. हम रात को सोएंगे। We will sleep at night. I will read this book today. मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा। I will read this book today. मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगे। आई विल रीड दिस बुक टूडे। आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग एट द डोर।
आर यू अनोयड विद मी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आर यू अनोयड विद मी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? ब्रिंग ऑल दिस फाइल्स, इन सब फाइलों को लेकर आओ. ब्रिंग ऑल दिस फाइल्स, इन सब फाइलों को लेकर आओ. ब्रिंग ऑल दिस फाइल्स, ऑल दिस मतलब सारी फाइलें, ब्रिंग मींस लाना. आई हैव इंजॉयड टूडे ओनली, मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ. आई हैव जॉइंड टूडे ओनली, आई हैव इंजॉयड टूडे ओनली, मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ. आई हैव जॉइंड टूडे ओनली. योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम, तुम्हारे रूखे व्यवहार ने उसे चोट पहुँचाई. हर्ट मीन्स चोट पहुँचाना. बिहेवियर व्यवहार. योर रूड बिहेवियर हर्ट हिम. If you like the video, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to stay updated. अपने friends के साथ भी share करें. Thanks for watching.